सालाना मेला आ रहा है और पक्की गल है जरा पहुंचेगा कहेगा कि बदल गया मैं, जिंदगी बदल गई, क्योंकि रंग वाले रंग से बस एक लाइन ही तो खिंचनी है, रोंदी हुई जिंदगी हंसी आ जानी है, उजड़ी हुई जिंदगी बस जानी है, गिरिया हुए ने उठ जाना है। इसलिए जे हुण चाहते हो खुशियां तो फिर हुशियारपुर कोई दूर नहीं है। पहली तरीक नूं 3 बजे हुशियारपुर में रथ यात्रा है, शोभा यात्रा उहदे च शामिल होवो। जो शोभा यात्रा नाल नाल चलोंगे तो कितना आनंद लोगे, कितनी रहमतां नाल झोलियां भरनगियां, क्योंकि गुरु रहबर तो कहिंदे आ, कबीर साहब ने कहा संत दर्शको जाइए जेता धरिए पाए, पग पग पर अश्मेत जग कहत कबीर समझाए, कि संतां नाल तां एक कदम चलना ही एक यज्ञ दे बराबर है। जरा सोचो वो शोभा यात्रा च किन्ने कदम तुरोंगे, किन्ने यज्ञ दा फल लैके आओगे। ले पहली तरीक 1 अप्रैल शनिवार को 3 बजे हुशियारपुर शोभा यात्रा होनी है, जो शामिल होवो। फिर 2 तरीक न सालाना मेला है दरबार से, निशान साहब की चढ़ाई है, वो शामिल होवो। यानी 1.5 दिन का टाइम साढ़े वास्ते कढ़ो और बचन करते हैं थोड़े न, अगर तुम 1.5 दिन का टाइम उस मालिक की खातर कढ़ोगे तो मालिक थोड़े जीवन चो सारे दुख दलिद्र कट देगा, परेशानियां कट देगा, क्योंकि यह तो फरमान भी है कि जो मेरे लिए, जिदा किया गया हजरत अली कहते कि जो खुदा के लिए वक्त निकालता है फिर खुदा उसकी जिंदगी से बुरा वक्त निकाल देता है, कि जिहड़ा अपने रब दे वास्ते टाइम कढ़दा है फिर परमात्मा अपनी रहमत नाल उहदे जीवन चो बुरा टाइम कढ दिंदा है। रिश्तेदारां दी खातर जांदे हो कि नहीं, ब्याह दा कार्ड आ जावे जाग च भी जाना है, हैं जाना कि नहीं, ब्याह च भी जाना है, बरात भी देखनी है, पैलेस च भी पहुंचना है, 1.5 दिन असीं जांदे हां, इतने भी कहों रिश्तेदार की खातर जाके देख लिया, हम एक बार उस मालिक की खातर आके देखो, क्योंकि असं तो बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्यार ही तो सदा दे रहे हैं, पहुंचोगे कि नहीं। तो याद रखना 1.5 दिन का टाइम कट के आओ, बाकी टेंशन ना लियो कि पहली बार जावे सन तो पता ही नहीं उत्थे रहना कितों है, खाना कितों है, तो असं तो वचन करते अगर मालिक के घर चाहोंगे ना तो समझ लो घर नहीं, तो परिवार है, परिवार चाहोगे तो परिवार के मैंबर का ख्याल आप ही असं रख लेना, तुहाडे रहण दा लंगर पानी दा खाण पीन दा पूरा प्रबंध, भावें सारी रात लंगर ही छकियो, तुसीं किसे ने नहीं रोकना, उह तू 2 बार खा लिया 4 बार खा लिया, भावें सारी रात बैठे खाई जाओ, हर चीज़ खुली है, क्योंकि तेरे भरे हुए भंडार खिड़ी गुलजार कदी मुरझावे ना, जिहनूं मिल जावे तेरा प्यार तोट कोई, और जिहनूं उहदा प्यार मिल जावे फिर कमी तां कोई उहनूं आंदी नहीं है। इहले पहुंचो, प्यार नाल सद्दा दे रहे हां, और एक फिर कहां एक बार आके देखो जिंदगी च बदलाव आएगा, जिंदगी बदल जाएगी, नामुमकिन मुमकिन होना शुरू हो जाएगा, वो हिम्मत वो जोश और रहमत लेके आओगे ना, कि फिर तुसी ऐसी बोल के नहीं दस सकते कि तुहानू अंदर की फील होएगा, समझदे हो कि नहीं, तुसी तां इदा नचदे मुस्कुराते गाते फिरो, कहिंदा जिंदगी जीण दा मजा ही हुण आया, पता ही लगा हुण कि जिंदगी की है, पहला तो जिंदगी हाय हाय करदे आ दुखां च गुजार दित्ती, पर जिंदगी हुण जी है। इसलिए पहुंचो मालिक के घर च, और पहुंच के जिदा इतने दसिया कि मेरे मालिक के दरबार में आकर देखना तेरी तकदीर, तो वाकई ये कहने की गल नहीं, ये सच्चाई है, ये हुंदा है, नामुमकिन भी मुमकिन मालिक के घर च हुंदा है। इसलिए तो असी गल कही दी है कि भरोसा रखना अपने मालिक पर, सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा काम हो जाएगा, तुहाडे रुके हुए काम है ना, तेरा हुण गौर करना रुके हुए काम है, तुसीं कहिंदे इन्ने ओह नहीं हो रहे, मालिक दे घर चलो की पता जदों दरबार तो चलोगे कहिंदा काम हो ही गया पिछे, पता भी नहीं लगा काम हो भी गया, ये उहदी रहमत है, उहदी बख्शिश है, ना मुमकिन भी मुमकिन उहदे घर च, नहीं तां याद दिला दईए थोड़ा जिहा, सुधामा गया सी श्री कृष्ण को तां सुधामे नूं पता लगा पिछे की हो रहा, जवाब दिओ सानूं, उह तां बस एक मुट्ठी चावल लै के गया सी तां पिछे घर भी बन गया, खाना भी आ गया, सब कुछ आ गया, जो तो जाके देखा भी कितों हो गया, मैं तो पता भी नहीं लगन दिता कि वे करता, यही तो रब के प्यार के काम होंगे है, कि बंदा उन्होंने कोल बैठा होंगे तो पिछे घर दे बिगड़े काम आप ही बन जाते हैं, और यही तुहानू कहा कि भरोसा रखना अपने मालिक पर, सारा इंतजाम तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। जेडे रुके हुए काम है, बंदा कहता मेरा आह काम नहीं बनता, मेरा वह काम नहीं बनता, मेरी आह मुश्किल का हल नहीं होंगे, मेरी आह प्रॉब्लम का हल नहीं होंगे, वो मालिक के घर जाके देखो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि वे हल हो गए, समझते हो कि नहीं, इसलिए पहुंच जाना, ये बड़े प्यार नाल दिलों सदा दे रहे हैं, और जिदा दसिया टेंशन नहीं लैनी, पूरा ख्याल रखा जाएगा तुहाडा हर चीज़ का, रहण का लंगर पानी का हर सारा इंतजाम खुला है, बस तुसीं पहुंचना है, और पहुँच के
मालिक दी रहमत दा आनंद मानना है। और तुसी भी देख लो ये डेढ़ दिन का टाइम कट के कि ब्याहां ते जाके तो माड़ा मोटा ही वो मजा लिया सी, पर मालिक दे घर च आ गए तो जिदा पहले ही दसिया मौलाना रूमी ने की किया है कि जो दुकान पर और काम पर जाता है उसे सिर्फ वो सिर्फ दौलत घर लेकर आता है, लेकिन जो फकीरों की सोबत में जाता है वो रहमत बरकत सेहत और खुशियां लेकर आता है। और तुसी भी यही सोचना है मालिक दे घर च जा रहे रहमत बरकत तंदुरुस्ती और ऐसी खुशियां लेके आना है। बोलो आना कि नहीं।